पीड़ित के घरेलू संबंध होने के चलते गुमराह करके फंसाने की रच रहा है साजिश ठग। जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र में एक अजीब मामला सामने आया है। यहां विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति ने अपने ही रिश्तेदारों मिलने वालों से ठगी कर डाली। आरोप है कि ठग ने कई लाख का चूना लगा दिया और अपनी जगह किसी दूसरे अपने खास मिलने वाले को फंसाने की साजिश रच डाली। वहीं पीड़ित की अगर माने तो उनका कहना है जिस ठग ने उनको फंसाने की साजिश रची उनके उसके परिवार के साथ घरेलू संबंध है, जिसके चलते हुए पीड़ित के घर उसका आना जाना था, उसी का फायदा ठग ने उठाया और पीड़ित को फंसाने के लिए अपने बेटे और उसके दोस्त को पीड़ित के घर भेजा और 50,000 रुपये की रकम देते हुए वीडियो गुप्त तरीके से बना ली और 2 दिन बाद वो पैसे वापस लेकर चला गया और आरोप लगा दिया कि वे ये पैसे दिए हैं तो जो विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लिए गए थे। क्या नाम है आपका? सारा खान। कहाँ के रहने वाले? मुरादपुर से। आपकी वीडियो वायरल हो रही है, आपके पति पर आरोप लग रहे हैं, क्या पूरा मामला है? जी मेरे पति शाहनवाज उम्र के लिए गए हुए हैं तो हमारे एक रिलेटिव आया भाई उनके यहाँ, मतलब हम भी आते जाते हैं, अच्छे संबंध हैं। उनका बेटा और उनका मतलब बेटे का दोस्त पैसे देकर गए थे मुझे 50,000 रुपये, तो उन्होंने गुप्त तरीके से मेरी वीडियो बना ली और अब मुझे फंसाया जा रहा है मेरे पति को भी कि हमने वीज़े के लिए पैसे दिए हैं और कुछ देर बाद ही वो लड़का वापस ले गया मुझसे, जो मामी पापा ने फ़ोन किया है पैसे वापस दे दो, मैंने उसको पैसे वापस दे दिए। जो आरोप जो लगा रहे हैं फंसाया जा रहा है, क्या नाम है उनका, कौन फंसा रहे हैं आपको? आस मोहम्मद भाई हैं, खजूरी आस मोहम्मद, जो सदाबहार कॉलोनी में रहते थे, अब वो वापस वहीं चले गए। आपके पति कहाँ गए हैं? वो तो उम्र के लिए गए हुए हैं। जो आस मोहम्मद है ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये खजूरी के रहने वाले हैं, जिला मेरठ लगता है। अब कहाँ रहती हैं? अब वो कुवैत गए हुए हैं, कुवैत से ही वो उनके रिलेटिव जो भी होंगे उन्होंने जैसे भी होगा उनका ही होगा, हमारे लेकिन संबंध बहुत अच्छे हैं। पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, क्या उनका मतलब नीयत बदल गई, क्या हो गया, नहीं उनसे तो हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, अब वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 50,000 रुपये दे कर गए थे और अब इसका कुछ वो नहीं है, वो तो उसने वापस ले गया। आप पर जो आरोप लग रहे हैं वो किस चीज़ के लग रहे हैं, वीज़े को लेकर लग रहे हैं या पैसे के लग रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि वो जो उसका दोस्त था साथ में, जो हमने वीज़े के लिए पैसे दिए हैं और जबकि वीज़े की नौकरी की कुछ बात नहीं थी, वो तो उनसे हमारे संबंध ही ऐसे हैं कि वो हमसे उधार ले भी लेते हैं और हम उन्हें दे भी देते हैं, उनसे बहुत अच्छे संबंध है हमारे। इसमें वीजे को लेना देना नहीं है? नहीं, वीजे की कोई बात नहीं है क्योंकि वो तो उम्र पर गए हुए हैं, उनका तो कोई अब मैटर ही नहीं है, और ना ही हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट आया, ना ही इस टॉपिक पर उन्होंने मतलब जैसे कि वीडियो बनाई है, ना ही इस टॉपिक पर कोई बात की कि जैसे हम वीजे के दे रहे हैं या कुछ, बस उन्होंने ये कहा ये पैसे हैं, ये 50,000 हैं लो मामी, बस इतना कहा है वीडियो में भी। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज है, मुरादपुर का रहने वाला हूँ। अशरफ और अनस इनको मैंने भेजा था दुबई, ठीक, मैंने इन्हें काम भी दिलाया, कंपनी में भी भेजे, ठीक, इनका जी ना लगने की वजह से ये वापस आ गए। मेरे पास में इनकी सारी वीडियो भी होंगी, मेरे पास में इनकी वीजा अप्रूवल भी होंगे, देखो ये रहा, कंपनी की वीडियो भी होंगी मेरे पास। ये सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। और जो अशरफ के पापा हैं उन्हें मैंने जो एजेंट था उसने मुझे 60,000 रुपये एक आदमी के दिए, अशरफ के पापा को मैंने 60,000 रुपये का चेक वापस दे भी दिया, अच्छा। ठीक, चलो वजह कुछ भी रही वो वापस चले गए, मेरे पास सारे प्रूफ होंगे, वीज़ा अप्रूवल ये रहा, कंपनी की पेनल्टी फीस मैंने भरी जब यहाँ से भगे, ये रहा वीज़ा अप्रूवल इसका, अशरफ का दिखाओ जरा, ये रहा देखो, अच्छा अच्छा ठीक। और ये जो अपनी मर्जी से कंपनी से भगा है वो वीडियो भी मेरे पास हैगी। अब जो आस मोहम्मद है उसने 1,10,000 लिए, 1,25,000 लिए या जो भी लिए, ठीक है, ये लोग मुझे झूठा फंसा रहे हैं, मेरे पास में सारे प्रूफ हैं, ये रहे कंपनी में जाती हुई गाड़ी में। आप जा रहे हो कंपनी में,
है, मैंने 60,000 रुपये अनस के पापा को चेक दे भी दिया है। जो जो आस मोहम्मद दलाल है उसने जो 1,10,000 लिए, 1,25,000 लिए, वो खुद दे पैसे वापस। मैंने अनस के पापा को 60,000 रुपये का चेक दे दिया है, ठीक है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे पास सारे सबूत हैं। ओके। नाम आपका? सारा खान। कहाँ के रहने वाले हो? मुरादपुर से। आपकी वीडियो वायरल हो रही है, आपके पति पर आरोप लग रहे हैं, क्या पूरा मामला है? जी मेरे पति शाहनवाज उम्र के लिए गए हुए हैं, तो हमारे रिलेटिव हैं आज भाई, उनके यहाँ मतलब हम भी आते जाते हैं, अच्छे संबंध हैं। उन्होंने का बेटा और उनका मतलब बेटे का दोस्त पैसे देकर गए थे मुझे 50,000 रुपये, तो उन्होंने गुप्त तरीके से मेरी वीडियो बना ली जी। और अब मुझे फंसाया जा रहा है मेरे पति को भी कि हमने वीज़े के लिए पैसे दिए, और कुछ देर बाद ही वो लड़का वापस ले गया मुझसे, ये मामी पापा ने फ़ोन किया है पैसे वापस दे दो, मैंने उसको पैसे वापस दे दिए। जो आरोप जो लगा रहे हैं, फंसाया जा रहा है, क्या नाम है उनका, कौन फंसा रहे हैं आपको? आस मोहम्मद भाई हैं, खजूरी आस मोहम्मद, जो सदाबहार कॉलोनी में रहते थे, अब वो वापस वहीं चले गए। आपके पति कहाँ गए भाई? वो तो उम्र के लिए गए हुए हैं। जो आस मोहम्मद है ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये खजूरी के रहने वाले हैं, जिला मेरठ लगता है। अब कहाँ रहते हैं? अब वो कुवैत गए हुए हैं, कुवैत से ही वो उनके रिलेटिव जो भी होंगे उन्होंने जैसे भी होगा उनका ही होगा, हमारे लेकिन संबंध बहुत अच्छे हैं। पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, क्या उनका मतलब नीयत बदल गई, क्या हो गया, नहीं उनसे तो हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, अब वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 50,000 रुपये देकर गए थे और अब इसका कुछ वो नहीं है, वो तो उसने वापस ले गया। आप पर जो आरोप लग रहे हैं वो किस चीज़ के लग रहे हैं, वीज़े को लेकर लग रहे हैं या पैसे के लग रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि वो जो उसका दोस्त था साथ में, जो हमने वीज़े के लिए पैसे दिए हैं, और जबकि वीज़े की नौकरी की कुछ बात नहीं थी, वो तो उनसे हमारे संबंध ही ऐसे हैं कि वो हमसे उधार ले भी लेते हैं और हम उन्हें दे भी देते हैं, उनसे बहुत अच्छे संबंध है हमारे। इसमें वीजा को लेना देना नहीं है? नहीं, वीजा वीजा की कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो उम्र पे गए हुए हैं, उनका तो कोई अब मैटर ही नहीं है, और ना ही हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट आया, ना ही इस टॉपिक पे उन्होंने मतलब जैसे कि वीडियो बनाई है, ना ही इस टॉपिक पे कोई बात की कि जैसे जो हम वीजे के दे रहे हैं या कुछ, बस उन्होंने ये कहा ये पैसे हैं, ये 50,000 हैं लो मामी, बस इतना कहा है वीडियो में भी। वो तो दो मिनट। हाँ, चचा का नाम आपका? शहादत। शहादत, कहाँ के रहने वाले हो आप? असोड़े के। ये जो फेसबुक पे वीडियो चल रही है सऊदी अरब से, क्या मामला है वीडियो का? मामला आस मोहम्मद का है, खजूरी वाले का। खजूरी वाले आस मोहम्मद ने मेरा लड़का भेजा, खजूरी वाले आस मोहम्मद ने मेरे पैसे लिए, शाहनवाज का इसमें कोई रोल नहीं। तो जो आपके बच्चे सऊदी अरब शाहनवाज का नाम ले रहे हैं, ये क्या है? शाहनवाज को तो वैसे ही वे शान रहे हैं, शाहनवाज हमें जानता भी ना बेचारा, ना हम शाहनवाज को जानते। तो ये आस मोहम्मद कौन है? आस मोहम्मद मेरा बहनो ही है, मुरादपुर से, मेरी फूफी का दामाद है, मैं नू भरोसा कर गया, मेरा बहनो ही है, इस वजह से मैंने पैसे दे दिए उसको। तो आपका कहने का मतलब है जो वीडियो है ये आस मोहम्मद के द्वारा आपके लड़के दबाव में लेकर? हाँ जी। उसे शाहनवाज को बदनाम करने के लिए? जी जी जी। और उसमें कुछ कहना आपको? नहीं जी, कुछ नहीं। कितने पैसे लिए आस मोहम्मद ने? 1,50,000 रुपये। और शाहनवाज पे क्या पैसे? शाहनवाज का मुझे क्या पता, उस पर कुछ नहीं है।